नमस्कार टेक्टिवर्स, स्वागत है आपका प्रो टेक्नोलॉजी यूजर्स की इस नई वीडियो में। सो लेट्स गेट इन। तो टेक्टिवर्स, सबसे पहले तो प्रो टेक्नोलॉजी यूजर्स की तरफ से आप सभी टेक्टिवर्स को हैप्पी न्यू ईयर। आज ये 31 दिसंबर को मैं वीडियो डाल रहा हूँ और मैंने अपने प्रॉमिस में ये कहा था कि हो सके तो मैं इसे न्यू ईयर से पहले डाल दूंगा, और उससे पहले ही मैं इसे पोस्ट कर रहा हूँ। तीनों वीडियोस मैंने, तीन वीडियोस टोटल बनाई है, एक वीडियो ये है और इसी के साथ दूसरी वीडियोस आएंगी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी मैं अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपने फॉलो करना है पबजी मोबाइल लाइट अपने पुराने पीसी में प्ले करने के लिए। तो तीनों वीडियो को मैंने साथ में ही बनाया है, एक ही दिन में बनाया है, और बनाते बनाते ही मैं दूसरी वीडियोस अपलोड भी करता जा रहा था। और अभी शाम हो चुकी है और मैं फाइनल वीडियो बना रहा हूँ और बाकी की दो वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो जब ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा, जहाँ आप अभी इसे देख रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में तीन वीडियोस लगभग मिल जाएंगी। पहली वीडियो होगी प्राइम ओएस को इंस्टॉल करने की। तो मेथड ये है कि एक ISO फाइल है प्राइम ओएस बीआर नाम से, प्राइम बीआर नाम से आपको वो फाइल मिलेगी। वो प्राइम ओएस है, लेकिन प्राइम ओएस वो वाला नहीं जो आप यूज करते हैं। ये 32 बिट का ऐसा वर्जन है जिसमें एमुलेटर डिटेक्शन पहले से है, यानी आप खेलेंगे तो आपका पबजी बैन नहीं होगा, आपका पबजी स्टक भी नहीं होगा। और साथ ही साथ ये वाला वर्जन बनाया है स्पेशली पबजी को खेलने के लिए, और पबजी जैसे जो दूसरे गेम है, फ्री फायर, होपलेस लैंड, इन सबको खेलने के लिए। और ये मेरे को मिला है एक यूजर से जो फिनिक्स ओएस की वेबसाइट में मुझे मिला था, उनके फोरम में। उसका नाम है एक गॉड 898। ये कोई ब्राजील से यूजर है और इन्होंने ही इसका मोड बनाया है पुराने पीसी में यूज करने के लिए। मैं काफी टाइम से ऐसे ओएस ढूंढ रहा था। मैंने फिनिक्स ओएस भी ट्राई किया, प्राइम ओएस भी ट्राई किया, रिमिक्स ओएस भी ट्राई किया। रिमिक्स ओएस के मैंने 5 अलग अलग वर्जन ट्राई किए थे, फिनिक्स ओएस के 7 वर्जन और प्राइम ओएस के 4 वर्जन मैंने ट्राई किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी पबजी प्ले नहीं कर पा रहा था 2GB रैम वाले पीसी में अच्छे से। बाकी जो वीडियोस आपको YouTube में मिल जाती हैं कि 2GB रैम में वर्क करेगा, वो काफ़ी अजीब होती हैं, कभी कोई वर्क कर जाती हैं लेकिन बहुत लैग करती हैं। तो एकदम परफेक्ट मैंने एक वे ढूंढ लिया और आपको मैं ये वे दे रहा हूँ। तो आपने जो पहली वीडियो है उसे अच्छे से देख करके पूरे अच्छे से फॉलो कर लेना है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस जैसा जैसा उसमें करने को कहा जाए वैसा ही आपने करते रहना है। और उसके बाद एक दूसरी वीडियो है जिसमें आप पबजी मोबाइल लाइट को कैसे प्राइम ओएस में प्ले कर सकते हैं वो बताया गया है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि आप गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और ऐप के बारे में आपको बताऊंगा जिससे आप उसके ग्राफिक्स में चेंजेस ला सकते हैं, उसे अपने हिसाब से अच्छा कर सकते हैं ताकि आपका गेम स्मूथली रन कर पाए। और साथ ही साथ आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कीबोर्ड से गेम को, पबजी मोबाइल लाइट वाले गेम को अपने पीसी में, वो भी मैंने उसी में बताया है। आप उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। और अंत में एक और आपको वीडियो मिल जाएगी जो मैंने बहुत पहले डाली थी लेकिन अभी शायद वो आपके काम आ जाए। वो वीडियो है आपके कंप्यूटर में, अगर प्राइम ओएस में अगर आप खेल रहे हैं पबजी मोबाइल लाइट, या फिर अगर आपके यहाँ पबजी भी चल जाता है तो अच्छी बात है, अगर वो आप खेल रहे हैं तो आपको कभी कभी माइक बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, तो उसे कैसे फिक्स करना है, उसके लिए एक तीसरी वीडियो है जो मैंने पहले डाली है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं वीडियो ये ज़्यादा लेंदी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी है, इसे एडिट करना है और अपलोड करना है न्यू ईयर से पहले। सारी वीडियोज जल्दी जल्दी में बनी है तो उतने अच्छे से मैं एडिटिंग नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कोशिश करिए कि आप अच्छे से समझ जाएं। तो आप तीनों वीडियोज को डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए और फॉलो कीजिए। और कैसा चल रहा है पबजी आपके पीसी में, पबजी मोबाइल आपके पीसी में, पबजी मोबाइल लाइट, तो वो चीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट में अपने पीसी की स्पेक्स लिखिए और कितने FPS दे रही है, लगभग खुद हिसाब से आप सोच के बता दीजिए। और
सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से। वीडियो देखने के लिए थैंक्स टेक्टुबर्स, आशा करता हूं आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब करना ही करना है, और साथ ही साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।